वेलकम बैक दोस्तों, मैं आया हूँ फिर से एक नई वीडियो और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ TVS XL 100 के हैवी ड्यूटी मॉडल जो कि BS6 वर्जन के साथ आता है। इकलौता मोपेट है TVS XL और खुशी की बात यह है कि अभी BS6 मॉडल में लगभग पहले से 3000 या 3500 रुपये ही प्राइस इंक्रीज हुए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं और दाद देनी पड़ेगी TVS को, क्योंकि TVS ने इतने छोटे इंजन 100cc में भी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देने में कामयाब हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनो मैकेनिकल चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है? दोस्तों, यहाँ पर लुक्स को बिल्कुल सेम रख के यहाँ पर इंजन में और कुछ फीचर्स के मामलों में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। कुल मिला के यहाँ पर आपको 6 से 7 चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें लुक्स की, तो लुक्स बिल्कुल ही पहले जैसा ही रखा गया है। ये जो मोपेट है दोस्तों, ये बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑर्डर सप्लाई का काम करते हैं या फिर फील्ड वर्क के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम इंजन को देख लेते हैं। इंजन जो पहले कार्बोरेटर सेटअप पे आता था, वो अभी फ्यूल इंजेक्शन सेटअप पर आ रहा है। और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सेटअप लगाया गया है और इसमें जो चोक था वो भी हट चुका है। और पावर और टॉर्क का कोई भी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। पावर पहले जैसा ही 4.3 BHP 6000 RPM पर और 6.5 Nm टॉर्क 3500 RPM पर मिल जाता है। BS6 में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कैटेलिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है। इंजन बिल्कुल पहले जैसा ही आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको 99.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जिसमें अब ETFI यानी कि इको थ्रस्ट FI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस साइड से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इतने छोटे इंजन में डाली गई है। इतने छोटे इंजन में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम लगी कि अगर इंजन के नीचे कोई प्रोटेक्शन या फिर प्लेट वगैरह लगा देते तो यहाँ पर इंजन की मजबूती काफ़ी अच्छी हो जाती। अगले अपडेट की बात करें तो इसमें आता है इसका एक मीटर। इसके मीटर में अब आपको मालवेयर लाइट और लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले BS4 मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। मीटर कंसोल यहाँ पर आपको काफ़ी बेसिक सा दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको स्पीड, ऑटोमीटर और टेल लाइट दी गई है। अलग से इसमें आपको USB मोबाइल चार्जर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। बाकी इसमें मुझे फ्यूल मीटर मिसिंग लगा है। अब बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो अब इसमें आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, यानी कि अब इसमें आपको 1 लीटर का फ्यूल टैंक ज़्यादा मिलता है। यानी कि BS4 में BS6 से 1 लीटर का फ्यूल टैंक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि BS6 में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है और इसमें पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेट्रोल रखेंगे नहीं तो अगर जो उसमें पंप होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत ही महंगा भी पड़ जाता है। इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा रखना पड़ता है। अब इसके अगले अपडेट की बात करें तो इसमें अब आपको किल स्विच मिल जाता है। इसी के साथ ही इसमें सेल्फ बटन भी आपको इसी बटन में मिल जाता है, जो कि 100cc इस मोपेड के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट दिया गया है। इसके सलेंसर पर भी आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। इसमें अब आपको सलेंसर पर गार्ड क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। बता दें कि सबसे बड़ा चेंजेस इंजन में ही हुआ है। TVS XL सुपर 100cc BS6 में अब आपको ETFI मतलब इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें आपको BS6 की पैचिंग फ्रंट मिडगार्ड के साइड में देखने को मिल जाती है। इसके लगेज कैरी की कैपेसिटी की बात करें तो वह पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, जिससे कि अब आपको इसमें सामान रखने में थोड़ा आसानी होगी। इसके साइड लुक की बात करें तो इसमें आपको XL 100 BS4 से ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़ा बहुत कलर और ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फ्रंट में आपको वही नॉर्मल हेडलैम्प मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें DRL भी मिल जाता है, जिससे कि आपको बेहतर रोशनी मिल जाती है। इसमें आपको आगे और पीछे दोनों जगहों पर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं, लिफ्टेड हैंडल बार मिल जाता है और स्विच की क्वालिटी मैं बिल्कुल ही डिसेंट कहूँगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर में सीट मिलती है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल सीट वाली बाइक खड़ी हुई है, इसकी जगह पर आप स्प्लिट सीट में भी ले सकते हैं। यदि आपको इस बाइक पर अच्छा खासा लोड लादना है तो आप इसकी पिछली सीट को हटा सकते हैं और इस बाइक पर अच्छा खासा लोड लाद सकते हैं। इसके लिए आपको स्प्लिट सीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साइड में अब आपको हैंडल हुक भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसका उपयोग अधिकतर लोग मार्केट में करते हैं। और इस बाइक में अच्छी बात यह है कि इसमें अब आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्ट भी मिल जाती है।
पीछे भी आपको वही BS4 वाला ही लुक देखने को मिलता है। आप सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे की तरफ हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में आपको CBS ब्रेक मिल जाता है, मतलब कि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे कि आप जब भी अपना पिछला ब्रेक लगाते हैं तो उसी के साथ ही आपका अगला ब्रेक भी लग जाता है, जिससे कि आपकी बाइक आसानी से रुक पाती है। इसके वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 86 kg के आसपास है और इसकी टॉप स्पीड 60 से 65 तक मिल जाती है। यहाँ पर आपको FI होने की वजह से अब आपको माइलेज भी BS4 वेरिएंट से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। TVS XL 100 BS6 में आपको स्पोक व्हील दिए गए हैं। फ्रंट और रियर में 16 इंच के ट्यूब टाइप टायर मिलते हैं। इसकी एक्सोरूम प्राइस कोलकाता में 45,188 रुपये है, जो कि ऑन रोड लगभग 60,000 के आसपास पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह बाइक आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई अपडेट तब से पहले मिल सके।